डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में इलेक्शन सेल कायम। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन सेल 6 से 9 फरवरी सुबह 9 से रात 7 बजे तक काम करेगा। इलेक्शन सेल में डीईओज और असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं लेंगे आतिफ परवेज से। जी बताइए आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, 13 रुकनी ये इलेक्शन सेल जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में कायम किया गया और सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें डी एजुकेशन मेल और फीमेल जो है इनको शामिल किया गया है और ये भी कहा गया है कि इलेक्शन सेल जो है 6 फरवरी से 9 फरवरी तक कायम रहेगा और जो सेल में शामिल तमाम अफराद हैं सुबह 9 से शाम रात 7 बजे तक इस सेल में मौजूद होंगे और इनकी ड्यूटी जो है वो यकीनी बनाई गई है और इनको कहा गया है कि वो हर सूरत में जो मुकर्रर करदा टाइम है उसके दौरान इलेक्शन सेल में मौजूद होंगे। इलेक्शन सेल में डीईओ असिस्टेंट डायरेक्टर और क्लरिकल स्टाफ जो है उसको शामिल किया गया है और सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी का मजीद कहना है कि सरकारी और निजी स्कूलों में बनने वाले तमाम पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन अमले को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर में 1400 के करीब जो स्कूल हैं उनमें इलेक्शन सेल कायम किए, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, जिसमें 675 जो है निजी स्कूल हैं और बाकी सरकारी स्कूल हैं जिनमें एक से ज्यादा भी जो है पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ।